मैंने देखा यारिया 2 का टीजर जो कि टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो गया है, जिसके बारे में ज्यादा चर्चा तो नहीं हो रही है, पर मैं ये कहूंगा कि हाँ सिनेमाटोग्राफिकली काफी ज्यादा खूबसूरत, काफी ज्यादा रिच लगा और इंटरेस्टिंग लगा। साथ ही साथ वो जो ट्रैक है ब्लू है पानी पानी, जो कि पुरानी वाली यारिया मूवी में से था, और उस ट्रैक को वापस से यूटिलाइज किया गया ताकि लोगों के सेंटिमेंट्स में थोड़ा वो वापस से याद आ जाए कि हाँ ये वाली एक मूवी थी। हालांकि उस मूवी में एक दो सीन थे जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थे, लेकिन फिर भी वो मूवी एक हद तक देख ही जा सकती थी ऐसा मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे वो बहुत पसंद आई थी, पर हाँ वो ठीक ही लगी थी। तो यारिया 2 में भी ऐसी एक थोड़ी सी कॉलेज लाइफ रिलेटेड, कॉलेज ड्रामा रिलेटेड इस तरह की एक स्टोरी का प्रेजेंटेशन होने वाला है, वो दिखाई देता है। और एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि इसमें जो फीमेल लीड का कैरेक्टर है वो बहुत टाइम तक इस टीज़र के अंदर एक शादी के जोड़े में दिखता है। इसके पीछे की रीजनिंग बहुत ज़्यादा डिटेलफुली तो पता नहीं चली, प्रोबेबली एक शादी के ऊपर फोकस्ड हो सकती है इसकी एक स्टोरी, सो दैट इज समथिंग जिसकी अटकल है मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। एक और मस्त हाईलाइटिंग सा फैक्टर है, वो है बैकग्राउंड म्यूजिक, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्यूटीफुल, और एक तरह से वो जो वी कैन से स्वीट वाइब्स क्रिएट करने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक है इसका, और अरिजीत सिंह की आवाज़ में कुछ गाने भी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, जो कि एक फील जनरेट करता है और वो फील अच्छी आती है इसे देखने के बाद। लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़े से एक्टर्स की जो एक्टिंग है उनके फेसेस थोड़े से मुझे ब्लैंड लगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं लगे, दैट इज समथिंग विच आई रियली फेल्ट अबाउट दिस, बट स्टिल इट डजेंट फील दैट चीयरफुल, ठीक है इतना तो मैं कहूँगा। लेकिन फिर भी ये जो म्यूजिकल एस्पेक्ट है, ये जो सिनेमाटोग्राफी का एस्पेक्ट है, ये दोनों चीज़ें मिलके एक क्यूरियोसिटी तो जगा रही है कि हाँ इस मूवी में कुछ हो सकता है। हालांकि मुझे पता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नया कुछ ऐसा यूनिक था तो नहीं होने वाला है, पर जो भी होगा एक टाइम एक एंटरटेनमेंट के लिए या एक ऐसी मूवी हो सकती है जिसे दिमाग को साइड में रख के सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ एंजॉयमेंट एक बार देखा जा सकता है। तो इतनी क्यूरियोसिटी तो इस टीज़र ने मेरे अंदर जगा दी है। वैसे टीज़र काफ़ी लंबा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा ट्रेलर ही है, ठीक है। तो हाँ ये सारी चीज़ें मेरी फीलिंग्स हैं जब मैंने ये ट्रेलर देखा, और ऐसी कुछ फील है इस ट्रेलर की, ठीक है। और हाँ ये कुछ कमियां तो यही है कि स्टोरी के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चली है, तो ये एक अच्छी बात है। स्टोरी देखते हैं आगे क्या क्या निकलता है इसके अंदर, ट्रेलर आने के बाद ज़्यादा बातचीत कर पाएंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख के बता देना, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप फॉलो या सब्सक्राइब कर देना।